हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्पीकिंग बुक्स। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे बुक के बारे में जिसका नाम है ऑन ट्रेन टू पाकिस्तान। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। A Train to Pakistan is a very good fiction book which was published by Khushwant Singh in 1956. If you want to know more about our country's history, then you must read this book. Especially if you are interested in post-colonial literature, then you must go for this book. I really love this book. After all, this book was written by Khushwant Singh, who is a very good writer. Even he got Padma Shri Award for writing such a good novel. आज की स्टोरी है इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के टाइम की। इन समर 1947, 10 मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स, हिंदू, सिख रैन फ्रॉम देयर होम टू रीच ईदर साइड ऑफ न्यू बॉर्डर। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हुआ तब पूरे देश में दंगे फसाद शुरू हो गए। इंडिया के लोग मुस्लिमों को मार रहे थे और वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा था। पूरे देश में इतनी खराब सिचुएशन हो गई थी। इन सब के बीच सिर्फ एक ही ऐसा गांव था जो बिल्कुल शांत था, मानो उनको कोई खबर ही नहीं। एंड दिस विलेज इज नेम्ड एज मानो मजरा। द होल स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस विलेज। मानो मजरा इज सिचुएटेड बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। द पीपल ऑफ दिस विलेज don't even know that Britishers left India and now Mahatma Gandhi and Mohammad Jinnah decided to partition India into two parts. They just know the name of Mahatma Gandhi. They don't even know who Mohammad Jinnah is and don't know why this partition is occurred. But slowly, slowly, the story goes on and they get aware about these things. So, अब हम बात करने वाले हैं हमारी बहुत अच्छी बुक के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट जग्गा, जो एक चोर है एंड ही इज काउंटेड एज मोस्ट डेंजरस पर्सन इन दिस विलेज। सेकंड इज नूरन, जो एक मुस्लिम लड़की है और जिसे जग्गा बहुत पसंद करता है। सो दिस कॉम्प्लिकेटेड मुस्लिम हिंदू लव स्टोरी इज पार्ट ऑफ दिस बुक। हमारा थर्ड कैरेक्टर है इकबाल। ही इज अ यंग एजुकेटेड पर्सन जो पार्टीशन के बाद दिल्ली से इस गांव में आता है। वो सबको बताने की कोशिश करता है कि अंग्रेज चले गए और इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हो गया। ही ट्राइज टू कन्विंस एवरीवन दैट दे गॉट फ्रीडम, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, नो वन इज गोइंग टू फोर्स यू, नो वन इज गोइंग टू किल यू फॉर डूइंग समथिंग। वो एक बहुत अच्छा लड़का है और उसे इस कहानी में बहुत परेशानियां भी आती है। उसने दो तीन बहुत अच्छी बातें बोली थी। एज ही इज अ सोशल एक्टिविस्ट ही सेज फ्रीडम इज फॉर द एजुकेटेड, द पीसेंट्स विल मेयरली गो फ्रॉम लिविंग स्लेव ऑफ इंग्लिश फॉर एजुकेटेड इंडियंस एंड पाकिस्तान। फिर आते हैं इस गांव के मजिस्ट्रेट डेप्यूटी कमिश्नर हुकुमचंद, जो एक बहुत अच्छे पर्सन है पर एक कंफ्यूजिंग कैरेक्टर भी है। Sometimes you feel like he is a good person, but at the same time he act like a clever person. But then at the end of the story, he is a positive person. इस गांव में सिर्फ तीन ही पक्के मकान हैं, I mean brick house. First one is गुरुद्वारा जो मीत सिंह चलाते हैं, and second one is mosque led by मुल्ला, and third is one money lender's house whose name is लाला राम लाल। जब पार्टीशन हुआ उसके कुछ दिनों के बाद यहाँ पे भी दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। इन सब के बीच लाला राम लाल का मर्डर भी होता है और उसी के साथ उनके घर में चोरी भी होती है, और इसी मिस्ट्री को सुलझाते सुलझाते स्टोरी आगे बढ़ती है। और फिर इस बुक में वॉर के सिचुएशंस के बारे में डिस्कस किया गया है, कैसे लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है जहाँ पाकिस्तान से इंडिया ट्रेन जाती है और इंडिया से पाकिस्तान। फिर जग्गा और नूरन के बीच जो लव स्टोरी है वो भी इस स्टोरी का, इस नॉवल का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। द लव स्टोरी विच मेक्स जग्गा टू बिकम अ गुड पर्सन, द लव विच एंड्स द क्रुएलिटी फाइट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। बट दिस बुक डजंट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन,
Everything is just perfect and beautiful and in a simple language. The book is too interesting and so heart touching. Sometimes padhte padhte you feel like crying, emotional, but in the end of the story it's a perfect happy ending moment. So that's all for today's video. Hope you liked it. If you do so, then don't forget to subscribe, like and share.